अब तक आपने देखा, सदियों से श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा को पूर्ण कर भगवान माता त्रिजटा का उद्धार करते हैं। कान्हा की पुकार सुन यशोदा से राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वो अपने लल्ला के पास पहुंच उनके पदम में चुभे शूल को निकाल देती हैं। कान्हा सभी गोकुलवासियों को एकत्रित कर उन्हें कंस को कर ना देने के लिए कहते हैं। आज निर्णय करना ही होगा कि आपको जीवन भर एक मित्र के समान जीना है या कंस के पाप का सामना करके उसके अत्याचार को समाप्त करना है। सभी गोकुलवासी कान्हा के नेतृत्व में आलम्बा सुर तथा कंस के सैनिकों को दूध माखन के बिना भगा देते हैं। अब आगे। लल्ला, मैं तुझे कब से माखन खिलाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु तू है कि अपना हट लेकर बैठा है। कान्हा, इतनी सी आयु में कोई इतना बड़ा प्रण लेता है क्या? न जाने कैसे पूरा होगा तेरा ये हट। कान्हा, माखन खा लो। हाँ कान्हा, खा लो माखन। नंदरानी। अरे आप सब यहाँ, वो भी दूध माखन के साथ। क्या कंस के सैनिक कर लेने नहीं आए? नंदरानी, कंस के सैनिक आए और लौट भी गए, वो भी बिना मक्खन के। क्या कंस के सैनिक आए और खाली हाथ लौट गए? ये कैसे संभव है? नंदरानी, हमारे कान्हा ने आज असंभव को संभव कर दिया है। कान्हा ने? लल्ला, कहीं तूने पुनः कोई उद्दंडता तो नहीं की? उद्दंडता नहीं नंदरानी, सीख। हमारे कान्हा ने कंस और उसके सैनिकों को ऐसी सीख दी है कि वो जीवन भर याद रखेंगे। अद्भुत है हमारा कान्हा। लल्ला, तूने इतना बड़ा कार्य किया, वर्षों से चले आ रहे कंस के अन्याय को तूने एक पल में ही तोड़ दिया। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया राधा ने किया। दादा ने ही मुझे ये गोले ला के दी थी और मैंने तो बस इसे चलाया था। नंदरानी, हम इतने वर्षों से अपना रक्षक ढूंढ रहे थे, किंतु आज ये बात सिद्ध हो गई कि कान्हा ही हमारा रक्षक है। हाँ नंदरानी, कान्हा ही हमारा रक्षक है। हाँ नंदरानी, कान्हा ही हमारा रक्षक है। नारायण नारायण। प्रभु, आज गोकुल वासियों ने कान्हा को अपना रक्षक स्वीकार कर लिया, किंतु वे यह नहीं जानते कि परम अवतार श्री कृष्ण केवल गोकुल के नहीं अपितु संपूर्ण संसार के रक्षक हैं। ये सब आपका प्रेम है कान्हा के लिए, और कान्हा आपका रक्षक नहीं अपितु आपका पुत्र है। मेरा लल्ला है। कान्हा ने किया क्या? केवल गुलेल ही तो चलाया, वो भी हमारा दिया हुआ। बाकी जो कुछ भी हुआ है वो सब आपने ही किया है, है ना कान्हा? गोपी, आज तुम पहली बार सत्य बोल रही हो। काका, कंस के सैनिक मेरे कारण नहीं अभी तो आपकी एकजुटता और आपकी निर्भयता देखकर भाग गए। नहीं कान्हा, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आज जो हमारी विजय संभव हुई ना, वो तुम्हारे कारण हुई है। और हाँ कान्हा, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। आज हमारे पास इतना माखन है कि हमारे ग्वाल बाल जी भर के खा सकते हैं। नंदरानी, कान्हा ने जो प्रण किया था वो पूर्ण हो गया। अब आप जितना चाहे उतना मक्खन कान्हा को खिला सकती हैं। सत्य कहा आपने। चल लल्ला, अब तुझे जी भर के माखन खिलाती हूँ। यशोदा भाभी, कान्हा जी भर के माखन तो खा ही लेगा, किंतु यदि उससे पूर्व हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाएं, तो अच्छा होगा। आज हमारे पास जो भी दूध और माखन है वो उन्हीं के आशीर्वाद से है। सत्य कहा आपने वृष भानु जी। हम सभी पहले गोपेश्वर महादेव के मंदिर जाएंगे, संपूर्ण दूध माखन प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे, उसके बाद ही ग्रहण करेंगे और तभी कान्हा का प्रण भी टूटेगा। मैं सत्य कह रही है। सर्वप्रथम हमें गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। हाँ ग्वाले, चलो चलो।
गोकुलवासियों, तुम्हें जितनी प्रसन्नता मनानी है मना लो, क्योंकि राहु अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विपदा लेकर आने वाला है। ये न तीर न तलवार, शूल चलाने वाला ये छोटा सा शस्त्र है, इतना शक्तिशाली कि इसने भगवान कंस के बाल सखा को भयभीत कर दिया। तुमने कभी चलाया ये शूल प्रचालन शस्त्र? अभी इसे चलाना होगा, देखना चाहता हूं कि ऐसी क्या शक्ति है इसमें। तुम इतने दुर्बल हो गए कि तुम इसका छोटा सा वार भी सहन, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं भगवान हूं, भगवान कंस, मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि कोई तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा मित्र। बस उसके लिए तुम्हें मेरा प्रेत बनना होगा। ले जाओ मेरे इस मरणासन्न मित्र को मेरे प्रेम लोक। यशोदा भाभी, समय कैसे बीत जाता है। एक समय था जब कंस से बचाने के लिए हम अपने नवजात शिशुओं को गोपेश्वर मंदिर में छुपाने लाए थे, और आज इन्हीं बच्चों ने कंस के अत्याचारों को गोकुल की सीमा से बाहर फेंक दिया। सुना तुमने गोपी, हमारे गोपेश्वर महादेव के कारण ही तुम्हारे जीवन की रक्षा हो सकती है। ग्वाले, गोपेश्वर महादेव क्या केवल तुम्हारे हैं? वो तो हमारे भी उतने ही आराध्य हैं जितने कि तुम्हारे। लंबासुर क्या कहना चाहता था चानूर? भगवान, आपने तो उसे कुछ भी कहने का अवसर ही नहीं दिया। भगवान, जानता हूं मैं भगवान हूं, भगवान कंस, किंतु लगता है गोकुलवासी ये सब कुछ भूल गए। उन्हें ना तो मुझसे प्रेम है ना ही मेरा भय है। उन्हें दूध और मक्खन अधिक प्रिय हैं, अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। भगवान, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। वत्सासुर, वत्सासुर, गोकुलवासी भगवान कंस को गोरस का भोग नहीं लगाना चाहते, और तुम प्रतिमूर्ति बने बैठे हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। आदेश कीजिए भगवान कि उन उद्दंड गोकुलवासियों को क्या दंड देना है। मृत्युदंड, मृत्युदंड। तुम कर पाओगे ना वत्सासुर, क्योंकि बहुत आए और बहुत गए। ध्यान रहे कोई ग्वाल बाल जीवित नहीं बचना चाहिए गोकुल में। जा। ग्वाल बालों को उनका अधिकार तुम्हारे कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए गोपेश्वर महादेव के जल अभिषेक का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा है। लल्ला,
करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम। देवी, ये कितना शुभ दिन है जो आज मुझे मेरे आराध्य महादेव की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृष्ण अवतार में ये अवसर मुझे प्रथम बार तब प्राप्त हुआ था जब मेरे जन्म के समय में पापी कंस के सैनिक नवजात शिशुओं को ढूंढते हुए इस गोपेश्वर मंदिर में आए थे। देवी, तब महादेव ने ही हमारी रक्षा की थी। आज गोपेश्वर महादेव का यह मंदिर ही गोकुल वासियों के लिए समाधि स्थल बनेगा। आज इस कंदरा से कोई भी जीवित नहीं लौटेगा, ना ही कोई गोप, ना ही कोई गोपी और ना ही कोई ग्वाल बाल। पूरे ब्रजमंडल में ऐसा कोई बैल नहीं, यह अवश्य ही कोई असुर है। से बचाते हैं। मैया कहती है दिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। आज जो भी हुआ वो कंस की प्रतिक्रिया थी। हमने कंस को दूध मक्खन ना देकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को चुनौती दी है, इसलिए हमें प्रत्येक क्षण सचेत रहना होगा। कान्हा, कहीं ऐसा तो नहीं हमने कंस को चुनौती देकर कोई भूल कर दी हो? काका, मैं आपका भय समझ सकता हूँ, किंतु भूली मत, कंस जी कहीं ना कहीं भयभीत है, इसलिए उसने ये असर भेजा है। किंतु इस समय हमें अपने साथ का परिचय देना होगा। हमें पूर्ण शक्ति और युक्ति के साथ कंस का सामना करना होगा, तभी हम कंस के अन्याय को समाप्त कर सकते हैं। पर कान्हा,
कंस के पास असुरों की सेना है। यदि हमने एक असुर पराजित कर भी दिया तो वो सैकड़ों असुर भेज देगा, तब हम क्या करेंगे कान्हा? काका, सेना की पराजय केवल एक सैनिक के पराजित के साथ ही आरंभ हो जाता है। यदि कंस और असुर भेजेगा तो हम उसका भी सामना करेंगे, क्योंकि जब युद्ध आरंभ हो जाता है तो कोई मध्य का मार्ग नहीं बचता। कान्हा, हमें तुम पर विश्वास है, किंतु कहां असुर और कहां हम? काका, पूतना, उचकच, सब असुर थे, मैंने उन्हें मारा नहीं, उस सहमी मर गए, जानते हो क्यों? वो इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बालक हूँ। वो इसलिए मर गए क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। क्योंकि हमारे साथ धर्म की शक्ति है। जब हम धर्म के साथ होते हैं, धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है, क्योंकि मैया कहती है, धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस धर्म युद्ध में पराजय अधर्मिक कंस की होगी। कान्हा सत्य कह रहा है, हमें अपने निर्णय पर अडिग रहना होगा। कंस की क्रूरता हम देख चुके हैं, अब अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है, युद्ध। युद्ध, युद्ध। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे। सभी गोकुलवासी यहाँ हैं, किंतु इतने कठिन समय में नंद जी कहाँ हैं? ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सा स्थान है? मुझे निकालो यहाँ से। ये भगवान कंस का स्वर्ग लोक है नंद। महाराज कंस, कोई संदेह? परंतु मैंने किया क्या? मेरा अपराध क्या है? आप मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हैं? अपराध, दंड, नंद अपराध नहीं नंद, मैं तो तुम्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। क्या है कि इससे पहले मैंने कभी किसी जीवित मनुष्य को प्रेत नहीं बनाया, किंतु मेरा विश्वास अटल है, मेरा ये प्रयोग अवश्य सफल होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये अन्याय है। ना, अन्याय नहीं, भगवान कंस का न्याय है। गोकुल वासियों के लिए तुम देवता समान हो, किंतु तुम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम उनकी रक्षा कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें शक्तिशाली बना रहा हूं और इसके लिए तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। महाराज कंस, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, संपूर्ण गोकुलवासी चिंतित हो रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी गोकुल? नहीं 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 नंद, तुम तो वहां पहले से उपस्थित हो, यदि मैंने तुम्हें वहां भेज दिया तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बालक, गोकुलवासी उलझन में पड़ जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? यही तो समस्या है कि भगवान कंस पर लोग विश्वास नहीं करते। मैं भगवान हूं। है ना चक्रधारी? देखना चाहोगे अपना प्रतिरूप? नंद, हाहाहा।